सब्सक्राइब करें आपके YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं नीच हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं नीच हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं नीच हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं नीच हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ। ये अरुंधति राय जो बोलेगी वही सच होगा, वही होगा। ये भारत प्रशांत भूषण और ये उमर खालिद, ये लोग जिस टीम में रहेंगे वही टीम पाक साफ है, बाकी टीम सब बेकार की टीम है। ये क्या मजाक रखा है? ये इनको अगर CGI पे भरोसा नहीं है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, यूनाइटेड नेशन जाइए, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, चीफ जस्टिस जो बोलेंगे उसको भी नहीं मानेंगे, जाइए यूनाइटेड नेशन में जाके। राहुल गांधी तो वही मिलान पे है, जाइए वहीं से चले जाएंगे, वहां जाके पिटीशन दीजिए, किसी पे भरोसा नहीं है, फिर डिबेट करेंगे। अच्छा अमीश देवगन, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इम्पार्शल एक कमिटी बनाई है तो उनके क्रेडेंशियल्स को नहीं क्वेश्चन किया जा रहा है, उनकी पब्लिकली स्टेटेड पोजीशंस को तो क्वेश्चन किया ही जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने एक कानून के बारे में लेख लिखा है, इंटरव्यूज दिए हैं, सरकार को समर्थन दिया है, मान की ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन जो है वो समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं? शायद ये 101 इकोनॉमी, 101 सोशियोलॉजी है, जो शायद आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। अनभिज्ञ रहना चाहते हैं तो वो अलग बात है। मेरा दूसरा सवाल ये है, कोई कड़वा कड़वा गप थूक और मीठा मीठा गप नहीं कर रहा है, ये भाजपा का काम है। जब सुप्रीम कोर्ट अच्छा करे तो ये, मेरा मानना यह है 66 किसान जब मरे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान मर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर पट्टी बंधी है, आंखों पर पट्टी बंधी है, निष्पक्षता की पट्टी बांध ली प्राइम मिनिस्टर ने। अरे बोलिए, मुंह से वाक्य फूटिए। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मिनिस्टर्स भी तो उस कमिटी में थे, विफल हो गए क्योंकि उन्होंने क्या कहा, हम माय वे और द हाईवे, जिद उनकी है। आप कहते हैं अराजकता, देश के किसान अराजक हो गए, ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? तुम भी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, ये कौन सा लोकतंत्र है? देश के किसान अराजक हो गए। अगर देश का किसान ट्रैक्टर पर बैठ गया तो वो अराजकता कर रहा है, वो दंगा फैला रहा है, ये कहां की बातें तो, हो रही है? तो फिर सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, देश को किस डायरेक्शन में? सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, क्या आप चाहते हैं कि 26 जनवरी को देश के दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकले, एक एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें भारत की छवि ऐसी जाए? आप चाहती हैं ऐसा कि ट्रैक्टर रैली निकले 26 जनवरी को? अमित जी मुझे 10 सेकंड, राजपथ पे 1 सेकंड समय पत्र रुक जाइए, जेम्स के चौथे स्तंभ को बोला है, मुझे बोला मुझे 20 सेकंड दीजिए, डॉक्टर पाता होल्ड ऑन, बोलिए मैडम, आप चाहती हैं कि 26 जनवरी को रैली निकले ऐसी? चौथे स्तंभ को तो ललकारना चाहिए, 26 जनवरी को रैली ऐसी निकले आप चाहती हैं? 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान सुप्रीम है, संविधान की जो धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं उन लोगों को उस दिन विवेचना और आत्ममंथन करना चाहिए। और अगर वो आत्ममंथन किसान कराते हैं तो हिल रिपीट हो, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली सेइंग दिस, बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते हैं कैपिटल हिल रिपोर्ट, यहाँ पर रिपीट हो भारत के अंदर। आपने बोला, अभी बोला सुप्रिया जी, आपने अभी बोला, यू सेड इट जस्ट नाउ, आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए 26 जनवरी को। तुम निष्ठा कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। हाँ, मेरे को गिरा हुआ पत्रकार बोलेंगे आप, मुझे न्यूज बोलेंगे आप, बोलिए मैडम, आपने भी क्या बोला, आपने बोला यू सेड इट दिस, सुप्रिया जी यू सेड इट दिस इन डिबेट, इन लिविंग डिबेट यू सेड कि 26 जनवरी को जो लोग, जो सरकार धज्जियां उड़ा रही है वहां पर निकलनी चाहिए, बोला कि आपने नहीं बोला? मैं रिपीट करके दिखा देता हूँ, मेरे को गाली दे दीजिए, लेकिन आपने बोला नहीं बोला मैडम, अपना ईयरपीस निकालो, सर का वैक्स निकालो। मैंने बोला गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है, हमारे संविधान की धज्जियां जो सरकार उड़ा रही है उसको आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। ये कौन सी हिंदी थी जो तुम्हें समझ में नहीं आई? मैं अभी प्ले कर देता हूं, मैं अपने कोई बात नहीं मैडम, बातें सुनाई ना, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है कि अभी अभी आप कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने गलत सुना, आप कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकलनी चाहिए, यही कह रही हैं आप? क्यों नहीं निकलनी चाहिए? बिल्कुल निकले ट्रैक्टर रैली, किसान अपनी बात करें, फिर यही तो मैं बोल रहा था, चाहिए बात, यही तो मैं बोल रहा था, जिस पर आपने मुझे नीच बोल दिया, जिसमें आपने बोला कि तुम जिसमें आपने मुझे इतनी गालियां दी थी मैडम, मैंने तुम्हारी पत्रकारिता को नीच बोला, मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं चाहिए मैडम, मैं अगर अपनी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट नेताओं से लेने लग गया तो फिर मेरा कुछ नहीं होगा मैडम, इसलिए मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मेरी पब्लिक देती है, मेरा देश शो देश का नंबर वन शो है, इसलिए मुझे मुझे बहस करने तो शो पर आई नहीं हूँ मैडम, आप ही बोल रही हैं, आपने मैंने तो आपको अपनी बात को रखने का मौका दिया, आपने मुझे नीच बोला, आपने मुझे गिरा हुआ बोला, आपने मुझे सब कुछ बोला, आप ही ने बोला ना मैडम, मैंने तो नहीं बोला आपको कुछ,
पलट के मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, आपको मैंने तो बोला मैं तो आपको मैडम करके सम्मानित कर रहा हूँ। आप बोल रही है कि तुम नीच हो, तुम गिरे हुए हो। नहीं, नहीं। मैंने आप ही की बात को रखा तो मैं नीच हो गया, मैं गिरा हुआ हो गया। आपकी पत्रकारिता नीचता की तरफ है। नहीं, वो मैं फिर से बोलूंगी ये बात, आप सरकार का भोंकू बन चुके हैं। क्योंकि मैडम इसमें आपकी पार्टी की लाइन नहीं है तो मैं नीच पत्रकार हूं। पत्रकारों की भी कैटेगरी हो गई, मैं नीच पत्रकार हूं। अगर आप मुझे मिसकोट करेंगे मैं नीच पत्रकार हूं, पत्रकारों की भी आपने कैटेगरी बना दिया। मैं आपको करारा जवाब दूंगी। ना ना करारा जवाब दीजिए मैडम, मैं बिल्कुल ना मैं आपसे कोई लड़ने के लिए नहीं बैठा, मैं तो आपकी बात को रखने के लिए बैठा हूँ। आपकी बात आप हमारे मेरे ही कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बात देश की जनता तक जा रही है मैडम। आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मेरे शो को करोड़ों लोग देखते हैं, लोकप्रिय शो है, आपकी बात भी जा रही है। आपने मुझे गाली दे दी, नीच हो तुम गिरे हुए हो, तो चलिए ये आपकी मर्जी है।